सोलवा साल है सलमान आपस में प्यार से बहुत जोश से बनाएंगे तो एक अपना आपस में भाईचारा बहुत बढ़ेगा। अब ईद में हम नहीं जाते, दिवाली में आप नहीं आते, सिखों में अपना वो कार्यक्रम होते हैं, क्रिश्चियन में हिसाब नहीं करते हैं, तो ये हम अलगवाद ही एक तरह का हम लोग त्यौहार मना रहे हैं। एक त्यौहार ऐसा होना चाहिए कोई कुछ नहीं, हम लोग ईद दूसरे सुबह भी खाएंगे, दिवाली लड्डू भी बांटेंगे, एक दूसरे के गले भी मिलेंगे, वो एक त्यौहार हमारा ये होना चाहिए जो बहुत धूमधाम से पूरे हिंदुस्तान में मनाना चाहिए, जो नहीं मनाया जा रहा है। इसको मनाने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, इसमें ऐसा जोश फूकिए कि ये एक आजादी का त्यौहार हम सब दुनिया में मनाए। 31 तारीख को हर एक आदमी झूमता है, हर साल खत्म होकर 31 तारीख को झूमने का क्या ठीक है। मुल्क की आजादी के लिए, मुल्क की आजादी के इस कारवा में गांधी जी के पीछे चलने के लिए तैयार है कि तमाम मजाहब के लोग आज भी एक दूसरे के साथ मिल करके पूरी जिंदगी के साथ मुल्क के तमाम मसाइल में कांधे से कांधा मिला करके चलने को तैयार हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम लोगों ने इस मीटिंग को कितनी ज्यादा अहमियत दी है कि आज के दिन जबकि आज से तकरीबन 16 साल पहले वाली जो मोहतरम ने आज ही के दिन मेरा निकाह करवाया था उसके बावजूद और तमाम लोगों को बागत भाई बुलाए गए, हमारे सरदार बुलाए गए, हम लोग बुलाए गए, मोहरा बुलाए गए, इस सबको इकट्ठा करके सभी जो ये पैगाम देना चाहती है कि नहीं सके मोरानता कि हम एक हैं, हमारी यूनिटी एक है, मुल्क के लिए हम एक हैं। यकीनन ये बहुत बड़ा काम हो रहा है, इसको हम जितना भी आगे बढ़ना चाहें बढ़ाएं। इस कार्यक्रम की डिटेल है, इधर कोई भी फंक्शन होते हैं हम हिंदू और मुस्लिम साथ हिंदू और ईसाई एक साथ रोते हैं और एक साथ मिलकर हम एक दूसरे को सम्मान देकर हम ये पर्व और जो कार्यक्रम चलाते हैं इसके बारे हम जो सभ्यता है हम जो को एक दूसरे को सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि एक दूसरे में शांति रहे, सम्मान रहे, हमारा देश वहां धन्यवाद। तो वो यही वही व्यक्ति ही समझ सकता है कि उसको भाई बाकी सब चीजों का दान दिया जा सकता है, पैसे का हर चीज का, लेकिन जब किसी को ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव या कोई ब्लड नीड होती है तो बेचारा कैसे परेशान होता है। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं जरूर काम करी, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी अभी जरूरत जो गाँवों तक कस्बों तक चीजें हैं वो पहुंच नहीं पा रही। इस पवित्र दिन पे हम लोग क्यों ना कोई प्रण करें और कोई अच्छी शुरुआत करके और श्री मोदी दरवाजा जी का मैं एक कहावत हम लोग बचपन में सुना करते थे, अखबारों में पढ़ा करते थे, किताबों में पढ़ा करते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई उसको चरितार्थ करते हैं। जश्न आजादी का इस तरीके से जैसे सबने बताया लगभग कि हर धर्म अपने अपने जो जितने भी कार्यक्रम है उसको बड़े हर्षोल्लास से मना और हमारे बीच में ये सबसे बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए जिसको जो हम लोग आज तक बचपन में यही देखा कि विधानसभा में झंडा फहरा दिया गया, स्कूलों में लड्डू मिल गए, 15 अगस्त का मतलब होता था हमारे स्कूल टाइम में नहीं, हाँ हमारे स्कूल जरूर जाएंगे क्योंकि हमें आज बूंदी का पैकेट मिलना। तो उन चीजों को चेंज करके आज बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम स्कूलों से लेकर और सरकार तक इतने सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी कार्यक्रम में लास्ट ईयर भी गुरुद्वारा कमेटी की ओर से एक चैरिटेबल स्कूल चलाया जा रहा है, उसमें ब्लड डोनेशन कैंप इसमें इन्वेक्शन है आपके, इस बार भी एक जरूरतमंदों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है। उसके साथ जितने भी स्कूल के विद्यार्थी हैं उनको साथ लेकर 15 अगस्त का जैसे झंडारोहण के बाद हम उनको एक रैली टाइप में निकालेंगे, वहाँ पर जश्न आजादी के फंक्शन में भी सारे बच्चे वहाँ के पिछले साल